सामने आ गया हमारे फ्लाईओवर। अब देखते हैं भाई कैसे चलाता है गाड़ी फ्लाईओवर पे। डाउन देना है इसे, दिमाग नहीं है इधर। गुंडे आ गए भाई ट्रक पे लटक के, उसका आगे सीने से डाल। और ये आ गई भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, सबको जय श्री राम और पहले से गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के 9:30 और आपका भाई जस्ट देखो भाई चेक करो बनारस पहुंच गया भाई। और भाई ट्रिप कैसे स्टार्ट रही भाई बताते हैं, चलो पहले अंदर चलते हैं गड्डी के। ठंडे और गर्म हो रहे ना भाई, बहुत टायर गर्म हो रहे अभी तो। देखो भाई सुनोगे ना तुम दर्द भरी स्टोरी तो भाई आंखों से आंसू आ जाने। तो भाई कल हम बैराकोटा से चले और अभी आपका भाई आ गया बनारस। मतलब हमारा कौन कौन से बॉर्डर पार कर दिया, ढोबी बॉर्डर पार कर दिया और ये अपना सासाराम बॉर्डर पार कर दिया, झारखंड उड़ीसा सब पार करके अब यूपी में पहुंच गए। अब आजमगढ़ यहाँ से 117 किलोमीटर है, बनारस एयरपोर्ट 27 और लखनऊ भी 250-300 किलोमीटर है लगभग। अभी थोड़ी देर में चलेंगे यहाँ से, अभी जस्ट टायर टूर चेक किए। और भाई तेल वेल डलाया था पीछे, तेल आया हमारी गाड़ी में 29,000 रुपये का फुल टैंक करवा के चले। और अब चलते रहेंगे भाई, बहुत लंबा सफर है हमारा भी भाई। पूरी रात गाड़ी चलाई कल विशाल भाई ने, 11:30 12:30 11:30 दे दी गाड़ी, पूरी रात गाड़ी चलाई। और जस्ट फिर मैंने सुबह 5 बजे गाड़ी चलाना स्टार्ट किया और अब चलाते ही जा रहा। देखते हैं भाई क्या होता है। एक तो गर्मी आज कुछ ज़्यादा ही है, 2 दिन से गर्मी तो खूब दिख रही। उड़ीसा में जाके तो ठंडक सी थी, थोड़ी बहुत ठंडक थी वहाँ पर, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और टायर पूरे गर्म हो रहे हमारे खतरनाक वाले। बस बस निकलने की तैयारी है भाई अब। मतलब ये देख लो कि बॉर्डर से निकला सीधा तेल लिया फिर चल दिया, फिर चलने के बाद सीधा बनारस ये सुल्तानपुर रोड पे खड़ी करी गाड़ी, यहाँ चाय पी 2 कप, चाय पीने के बाद टायर टप्पे बढ़िया करके चेक किए, अभी भी टायर गर्म हो रहे। ऐसा ही है भाई क्योंकि भाई एक तो माल भी इतना हार्ड रहता है ना, ये जो हम भर लेते हैं माल ये दबा के चलाता है गाड़ी और तो टायर और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, हवा सी लग जान दो। कल के मतलब रामगढ़ के घाट भी ऐसे उतार दिए, लेदर गर्म में ही उतारे तो आपको पता ही है। और उसके बाद चौपारण घाट वो भी ऐसे ही उतार दिया हमने। गुंडे आ गए भाई ट्रक पे लटक के, उसका छप्पी कर रहा है। देखो धमकी दे रहा करे, यहाँ लगा लेनी बहुत मार। जा भाई जा तू, मैं हूँ यहाँ डॉन बैठा है, मैं अकेले संभाल लूंगा, जा तू जा। हाँ जा, खड़ा होके नहीं ऐसी बढ़िया आएगी। चाय पानी पी के आपका भाई निकल गया भाई, अब नहाएंगे धोएंगे कहीं मस्त से जगह, नहा धो लेंगे, रोटी पानी खाएंगे। टाइम पता कितना होगा, 11:30 हो। आज तो गाड़ी भी कम चलाई पर अब चलते रहेंगे भाई, रोटी पानी खाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, कपड़े लगते धो लेंगे थोड़े बहुत। एक तो गर्मी इतनी हो रही, पसीना ही पसीना हो रहा, अब जाके थोड़ा सा सफ़र काटा हमने। लखनऊ यहाँ से कम ही किलोमीटर है अपना, आराम से चलेंगे नहा धो के बढ़िया, एक बार लस्सी लुस्सी पी के चलेंगे आज। एक तो यार इतने सारे तो हवा टायर की दुकान है, फिल्टर भी साफ करवा लेंगे, फिल्टर साफ करवा ले दोस्तों, फिल्टर भी साफ करवा लेंगे यार, गाड़ी सर्विस करवाएंगे यार इसके बाद। अब की बात 1,98,000 चल गई, 1,09,800 किलोमीटर ड्राइव होगी हमारी गाड़ी में। ठीक है भाई अब सर्विस करवा के लाएंगे गाड़ी की, मालिक का पैसा खर्च करेंगे थोड़ा बहुत। तो चलो चलते हैं फिर नहाने धोने, पहले पहले नहा धो के आते हैं और फिर खाना खुना खाएंगे, खाने में देखते हैं आज क्या क्या खाते हैं। चलो भाई करो भाई, हमारे नहाने की जगह है, देख रहे हो हमारे ढाबे पे कितनी बढ़िया जगह मिलती है नहाने की। और ये देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मच्छा मछली जरकी रानी है, इसमें भी एक और भी मछली, जीवाणु उसका पानी है, मत लगाओ डर जाएगी।
यार एक मच्छर था जिसका बच्चा है इसका, एक कितनी बड़ी है ना यार दोस्तों, देखो कहीं से कहीं तक की। खाने के लिए क्या खाते होंगे यार ये, गाड़ियाँ देखो कैसे हिसाब से खड़ी लाइन वाइज। चलो यार मैं कपड़े वपड़े धोता हूँ, धोबी घाट खोलता हूँ। अरे भाई नहा धो गए एकदम दोनों भाई रेडी, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। अब खाएंगे राशन, टाइम पता कितना हो गया, 2 बज गए पूरे, 2 बजे, दो से भी ज़्यादा टाइम हो गया। ये सारी तो कोल्ड ड्रिंक में चलती है, कोल्ड ड्रिंक चेक करो। ये आ गया भैया आज हमारा स्पेशल खाना, इसको बोलते हैं मसूर की दाल। और ये आगे भाई देखो सबसे बड़ी बात होती है, ये जो मिलता है ना देखो सिल्वर में लस्सी, ये होती है भाई सिल्वर के बर्तन में लस्सी, ला भाई लोंडे लस्सी, लस्सी में सलाद भी है भाई। यूपी में घुसते ही आपको खाना एकदम तगड़ा मिलता है। और ये वैसे भी अपना बहुत पुराना ढाबा है, अब देखो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट करो भाई टेस्ट, वो जो दाल होती है ना दाल, दाल के ऊपर मलाई डाल के देते हैं स्पेशल भाई। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है उड़ीसा से बहुत टाइम बाद खाना खाने को मिला अच्छा कुछ। भाई मैं चेक करके बताता हूँ, लस्सी तो भाई खाना खा के आ गया मजा, अब खाते हैं खाना और फिर मिलते हैं। फाइनली भाई रोटी पानी खा के निकल गया आपका भाई। और ये चेक करो भाई मीटर, किलोमीटर 170 किलोमीटर है भाई लखनऊ और सुल्तानपुर 37 किलोमीटर भाई। अभी हमारा लंबा सफर है और टाइम 3:30 हो गए भाई, रोटी पानी खाने में नहाने धोने में टाइम तो जाता ही है। ये देखो कपड़े भी धुल दिए सारे, सारा काम एकदम ओके करके निकलते हैं। अब कल तो नहाए नहीं थे हम, आज नहाए, कल को सिर्फ गाड़ी गाड़ी चलाई, मतलब आज थोड़ी कम गाड़ी चलाई, कल थोड़ा ज्यादा गाड़ी चलाई। तो अभी चलते जाएंगे भाई, देखेंगे आज रात रात में कहाँ तक पहुँचते हैं। शाम सबको पहले से गुड इवनिंग, जय श्री राम भाई। आपका रुका है भाई सुल्तानपुर पार करके, टोल टैक्स से भी 20-30 किलोमीटर आगे चल के तब रुका भाई, टायर वायर ठंडे करवा लिए, काफ़ी टाइम पहले रुक गया था मैं यहाँ तो भाई टायर वायर ठंडे करे, थोड़ा बहुत आराम किया, अब चलने की तैयारी है भाई यहाँ से। अब चलेंगे भाई 70-80 किलोमीटर रह रहा लखनऊ का, लखनऊ में विजिट करते हैं और बाईपास से लखनऊ पार करेंगे, चलते रहेंगे। मौसम भी ठंडा सा हो गया, अभी कड़ी बारिश पड़ने लगी है, अब ठंडक सी होने लगी भाई। और रायबरेली भाई 48 किलोमीटर है, बाराबंकी 72, लखनऊ 82, जगदीशपुर 4 किलोमीटर भाई, बहुत लंबा सफ़र है हमारा। के 7 बज गए और आपका भाई आ गया हैदरगढ़ सिटी, देख रहे हो कितना ट्रैफिक हो रहा है, ऐसा ट्रैफिक आपको मिलता रहता है। अब बस थोड़ा रह गया, 40 किलोमीटर रह गया लखनऊ यहाँ से, और उसके बाद आपका भाई बाईपास पे ही चढ़ूंगा। पहले मैं सोच रहा लखनऊ को निकल जाऊँ, पर लखनऊ को नहीं निकलेंगे यहाँ, क्या करेंगे लखनऊ सिटी में घुस के। अब इधर कितनी तगड़ी सिटी लग रही है, देखो लग रही ना खतरनाक, और दिखा देता हूँ और खतरनाक कर देता हूँ इधर। आपका विजिट कर गया लखनऊ बाईपास, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वह कहाँ लगा ली भैया गाड़ी, यहाँ क्या चल रहा है, डांसिंग कार, वो एंकर डांसिंग कार थी दोस्तों, ये तो डांसिंग कार को इसको पसंद है, रोड में पों कर रहा है यार पीछे से, पता कैसा आदमी है।
ऐसे ऐसे रॉन्ग साइड आते हैं देखो, फुद्दू बंदे इन्हें बोलते हैं, फुद्दू बंदे पंजाबी से बोलते हैं, फुद्दू बंदे भाई। यहाँ पुल के नीचे है गड्ढे, दो आराम से आए ठीक है। अब तुम सोच रहे हो तुम्हें कैसे पता, तुम्हें तो दिखा में नहीं दिख रहा मैं भैया, मैं डेली का आने वाला हूँ तो भैया मेरे को ब्रेकर सब पता लग जाते हैं कहाँ क्या चीज़ है और ठीक है। और स्पीड में बिल्कुल मत जाए वहाँ, क्योंकि इधर से भी अब हाईवे चालू हो गया, पता लगा था हम स्पीड में जा रहे हीरो की तरह, डिजुम हो गया। गाड़ी तो नहीं आ रही भाई लौंडे, जान दो देखो ये हाईवे चालू हो गया वाला, कभी हीरो की तरह और जीरो की तरह चले जाओ ठीक है भाई। इन चीज़ों पर फोकस, अरे मेरे पिछवाड़े में घुसा लिया ऐसा कर। और भाई यहाँ से अयोध्या है 133 किलोमीटर और लखनऊ 32 दिखा रहा भैया, बाराबंकी 26। हम भी बोर्ड देख लो भाई, और जिस साइड में चला रहा गाड़ी कभी इस साइड में मत चलाएं, अभी रॉन्ग साइड आ जाते हैं लोग भाग यहाँ, तो हम अपनी बीच में चलाएं गाड़ी, अपनी गाड़ी को सेफ। बाईपास पे आपके भाई ने ले लिया ब्रेक, अब ब्रेक क्यों लिए, क्योंकि भाई यहाँ चलाएगा विशाल गाड़ी, थोड़ा आराम कर लूँगा यार। मैं भी सुबह से बैठा हुआ स्टेयरिंग में, 5 बजे से भाई मैं ही चला रहा गाड़ी, टायर भी चेक हो जाएंगे, चाय भी पी लेंगे एक एक कप, और फिर अपना गाड़ी लेके विशाल भाई चलेगा आराम आराम से। यहाँ थोड़े से घाट वाट भी है, मतलब नॉर्मल घाट है, पुल बनता है ना वो वाला पुल है, तो उसको थोड़ा तजर्बा मिलेगा चढ़ाने का भरी हुई गाड़ी का। अब विशाल भाई अपना घोड़े पे बैठ गया, अपना स्टीयरिंग पे अब बैठ जाएगी, और छलांगा मार दी बार। मैंने ड्राइवर को बाहर जाते देखा है खिड़की से, फिल्मों की तरह समझ में आया। अभी तुमने हमने हमारा प्यार देखा है कातिया, तुम्हें क्या लगता है तुम हीरो लगोगे? आराम से दिया कर, केर आराम से करा, छोड़ा कर मेरे भाई। तो भाई हमने विशाल भाई को समझा दिया है कि कैसे गाड़ी चलेगी। वैसे गाड़ी तो ठीक चलाता है लौंडा, पर ये थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक करता है वो, अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो फिर कब बोलेंगे, फिर ये और बड़ी बड़ी गलतियां करेगा। है मेरे है सैनसा रे, सॉरी देख क्या 22 टायर और 18 टायर, वो 12 टायर आ गया सामने, आ गया हमारे फ्लाई ओवर। अब देखते हैं भाई कैसे चलाता है गाड़ी फ्लाई ओवर पे। डाउन देना है इसे, दिमाग नहीं है इधर। ये चेक करो भाई सीतापुर रोड पे आ गया आपका भाई, ये हमारी सीतापुर रोड है, आ जा। और भाई चेक करो भाई सीतापुर रोड पे आ गया भाई, विशाल भाई ने गाड़ी चलाई पूरी, आपने देखी भाई। तो भाई ठीक है, आप सुबह पूरी रात चलते रहेंगे, जैसे कि भाई रात होगी आके कहीं रोटी पानी भी खाना है तो ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का व्लॉग हम यही एंड करेंगे बाईपास पे सीतापुर के, जो कि टोंजा सीतापुर जा रहे हैं। कल को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, सबको जय श्री राम एंड मेरे से गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।